बंटी भाई, और मैंने देखी है या सुनी भी है, जैसे आप देखते हो कई लोगों से मैंने सुना है कि हमने जी ट्रेनर वो इधर उधर से, आजकल तो आपने देखा है ना गली गली में ट्रेनर भी घूम रहे हैं आजकल, वो मतलब कहीं किसी से एक दो दिन वो चले जाते हैं, डॉग इधर पकड़ा और वो ट्रेनर बन जाते हैं। बट मैं वैसे भी एक जनरली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि जी हमने डॉग की अपनी ट्रेनिंग की है या किसी कहीं पर ट्रेनर से कराई है, हमने 6 महीने ट्रेनिंग की है, 1 साल ट्रेनिंग की है, बट उसके बाद हमारा डॉग ना घर पर आगे हमारा कहना नहीं मानता, हमारा वो करता काम ही नहीं करता, ये क्या प्रॉब्लम है? ये जैसे काफी मतलब ये कॉमन है। देखिए सबसे क्यों हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग का वे। मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, ये मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये मुझे नहीं पता ये ट्रेनर का फॉल्ट है या डॉग का, ये आप बताएंगे ये चीजें, तो इससे जो अच्छे ट्रेनर हैं या जो वो हैं तो वो भी बदनाम होते हैं कि यार हमने तो ट्रेनिंग कराई थी। इसमें ना देखिए, इसमें ना अमित जी जी बहुत सारी चीजें काम करती हैं जी, जैसे कि डॉग है तो क्या ब्रीड है, उसकी ड्राइव कैसी है जी, ठीक है, उसके नर्व्स कैसे हैं जी। जैसे भी आपने देखा कि मैं भी डॉग्स को विप बजाया था, विप बॉल तैर था, तो उस विप का मतलब है, जैसे मैं विप बजाया था तो लोग कहते हैं कि डॉग, मैंने भी कई बार मेरे साथ ये खुद ये इशू हुआ है मेरे फार्म पे, तो कि जी आप तो हंटर से डॉग को मारते हो तो जी तो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन गलत है जी। इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन क्या है, हम गनशॉट करते हैं ताकि हमारा डॉग जब, जैसे सर आप देखो कि जब दिवाली आती है जी, डॉग डर जाते हैं, डर जाते हैं, खाना खाना बंद करते हैं, छुप जाते हैं, मेरे डॉग्स हैप्पी नॉर्मल रहते हैं जी, जी, जी। मैं क्या करता हूँ, मैं विप बजाता हूँ, उनको फूड ऑफर करता हूँ जी, तो उनके लिए विप जस्ट लाइक अ क्लिकर, क्लिक फूड, तो विप मींस फूड, विप मींस बॉल। आप जनरल सी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो विप का मतलब ये है कि जो गन फायर या कोई पटाखे या इसकी आवाज से डॉग नॉर्मल रहेगा, उसे कोई मतलब ही नहीं है, और डॉग नर्वस नहीं होगा, इसको साउंडनेस कि हम डॉग को, डॉग का नर्व इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हमारा डॉग डरता नहीं है, घबराता नहीं है। अगर बाहर ले गए एक ट्रक की आवाज आ गई, डॉग डर जाएगा, ये क्या हो गया। लेकिन अगर आपने इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग करी है, जो मैं इन्वायरमेंट ट्रेनिंग अभी कर रहा था, इन्वायरमेंट ट्रेनिंग करी है, तो उसमें क्या फायदा होता है, बेनिफिट, आपका डॉग स्ट्रॉन्ग रहता है और वो घबराता है किसी से, लगता है ठीक है ठीक है। डॉग्स के साथ साथ आप पेट ओनर को कितना मानते हो कि यार इनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि हम डॉग को तो हम ट्रेंड कर लेते हैं, और ओनर को सपोज अगर वेपन मेरे पास कोई है और मुझे चलाना नहीं आता तो वो तो मेरे लिए यूजलेस है, मुझे ऐसा लगता है, तो आप कितना मानते हैं कि ये ट्रेनिंग जो ओनर है उनकी भी होनी चाहिए? देखिए जैसे मेरे पास डॉग्स आते हैं, सबसे मेरे पास अग्रेशन केसेस आते हैं जी, तो अग्रेसिव डॉग में और ट्रेन पर्सनल डॉग में फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है दोनों के अंदर, जो अग्रेसिव डॉग है वो गन है ना, उसमें ट्रिगर है ना, उसमें लॉक है, तो वो कब चलेगी आपको नहीं पता और आप उसे रोक नहीं सकते। जो ट्रेन डॉग है उसमें गन भी है, उसमें सॉरी उसमें ट्रिगर भी है और उसमें लॉक भी है, जब तक आप उसको ट्रिगर नहीं दबाओगे वो चलेगी नहीं, और वो इतनी लॉक रहेगी आप सब सर पर लगाइए और लॉक की वो कभी आप नहीं चलेगी, वो आपका पर्सनल डॉग तभी आपको नहीं काटेगा, क्योंकि उसने स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग ली है ठीक, तो उसका ब्रेन चलनाइज है। ये बिल्कुल ऐसा जैसे कि आप एक बच्चे को मार्शल आर्ट सिखाते हैं और साथ में योगा सिखाते हैं, और फिर उसे कुछ आप देखिए, जैसे ये एक टाइस होता है और एक सोल्जर होता है, क्या फ़र्क होता है दोनों में? दोनों को समझ है कि कब मुझे क्या करना है, सोल्जर को पता है मुझे किसके लिए क्या करना है, सोल्जर को ट्रेन किया जाता है कमांड लेने के लिए जी और बिहेवियर करने के लिए ठीक है, उनकी लंबी ट्रेनिंग होती है, लेकिन टेस्ट के कारण गन सबको मारता हो उसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर डॉग चैलेंज नहीं है, जैसे मेरे पास भी बहुत से डॉग्स हैं, मेरे पास 3-4 डॉग्स हैं जो बहुत सुपर अग्रेसिव और वो अबैंडन है, उनको उन्होंने छोड़ चुके हैं। अच्छा, जब मैंने उनको पहले बताया था कि जब मेरे पास बहुत पहले किसी ट्रेनिंग गई थी, तो मैंने बोला कि आपने इसको इस तरह से पाल लिया इस तरह, तो उन्होंने मुझे नहीं समझा। अब वो डॉग तो क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ना डॉग को करेक्ट कर लीजिए बजाय छोड़ने के, क्योंकि आपके छोड़ने के बाद ना उस डॉग की लाइफ नहीं है ठीक है। तो ज़्यादा लोग क्या करें, एक्चुअली एक चीज़ और भी है कि ना हमारे कंट्री में डॉग छोड़ना आसान है, बिल्कुल कि काटा छोड़ दो, वो ह्यूमन नेचर भी है कि हम अपनी गलतियों को नहीं देखते और हम पेट को बोल देते हैं कि ये गलत है, डॉग खराब है, रोड पे छोड़ दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है पहले आपको जो डॉग आप ले रहे हैं उसकी ड्राइव को समझना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो डॉग का बेसिकली पर्पज़ क्या है, जैसे ये मैलनो है, इन मैलनो से पर्पज़ होता है प्रोटेक्शन वर्क जी ठीक, इसीलिए बने हुए हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो साइकोपैथिक हो जाएंगे जी ठीक है। तो आप इनको यूज़ करें ना करें प्रोटेक्शन वर्क, लेकिन इनको बाइट वर्क सिखाना कराना इंपॉर्टेंट, ताकि इनकी इनकी एनर्जी चैनलाइज है, एनर्जी को चैनलाइज है और ये वर्क करते हैं तो ये खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। वहीं पर अगर आप इसे बांध दें
इसको बिल्कुल ट्रेन ना करें तो फिर ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, मतलब ये समझेगा नहीं सब, तो समझेगा नहीं। आप जैसे ट्रेनिंग को लेके आप बोलते हो कि भाई हम डॉग कोई भी अपने पास रखें तो थोड़ा उसको ट्रेनिंग जरूर करें, बहुत जरूरी है, और खुद की भी ट्रेनिंग करें कि डॉग को कैसे हैंडल करना और उसको एंजॉय करें, ना कि वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम बन जाए। एग्जैक्टली, डॉग देखिए, अगर आप अपने डॉग को एंजॉय नहीं कर पाते ना, तो आपने वो डॉग रखने वाली फीलिंग समझ ही नहीं पाएंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा। मैं डॉग को लेके वॉक करने जाता हूँ, रनिंग के लिए जाता हूँ, घूमने जाता हूँ बहुत जगह, तो मेरे डॉग्स मेरे साथ जाते हैं जी। तो मेरे डॉग्स मेरे लिए प्राइड है मेरी जी। मैं शो करता हूँ कि हाँ ये मेरा डॉग, ये मेरा डॉग है, ये मेरा डॉग है। मैं खुद देख रहा हूँ अभी। हाँ, ये जैसे प्रोटेक्शन ट्रेंड है, हमने ट्रेनिंग में भी हम इस कुत्ते को देख रहे हैं जी, जी। ये मेलनवा है और डच शेफर्ड है, दोनों ब्रीड वर्ल्ड की टॉप लेवल की ब्रीड है जी, जी, जो गार्ड डॉग है। और मैं बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ आपके साथ मुझे, और ये खुले हुए लीज में नहीं है कोई, लेकिन अगर आप आराम से बैठे, लेकिन अगर आप मेरे बिना आएंगे यहाँ पे जी जी, तो ये घुसने नहीं देंगे आप। नहीं, बिल्कुल, वो अपना काम करेंगे। हाँ, तो इसको चैलेंज डॉग जी जी, बिल्कुल। अभी चैलेंज, अगर ये ट्रेन नहीं होते कैसे होते, तो ये मैं इनको, मुझे इनको पकड़े केजी बंद करना पड़ता, और ये पागलों की तरह भैं भैं भौंकते रहते अच्छा, मैं बोलता ही मानते ही नहीं क्योंकि ट्रेंड नहीं। मैं जो वीडियो ये देख रहे हैं, सब लोगों को ये दिखाना चाहूंगा कि आप देखना इधर, एक बार विजिट को बोलूंगा थोड़ा सा कैमरे से, बाद में इनको दिखा देगा कि यहाँ पे कितने सारे डॉग्स हैं, जो कि सारे डच शेफर्ड और मेलनवा और इस तरह के वर्किंग डॉग हैं, जो बंटी भाई के अपने डॉग हैं, इनका जो अपना नहीं, नहीं, इसमें, तो, इसमें, इसमें, इसमें डॉग्स कम है। नहीं नहीं, जैसे 3-4 डॉग तो आपके हैं ये, तो इतने, मगर एक भी डॉग की आवाज नहीं आ रही उस तरह से कि ये डॉग हल्ला कर रहे हैं या काट रहे हैं, क्योंकि हम तो इनके लिए नए हैं, क्योंकि ना ये चलना डॉग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम है, मतलब इनको, मतलब ये ना फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। मैं इनको रोज ट्रेन करता हूँ। अच्छा, जिस दिन मैं इनको ट्रेन नहीं करता, मैं इनसे फेच गेम खेलता हूँ, फेच गेम बॉल से खेलता हूँ, जस्ट सिर्फ। तो आपको ना एनर्जी को चैलेंज देना बड़ा जरूरी है। अच्छा सर, आप एक चीज़ और बताएं मुझे, आप जो आजकल मैं काफ़ी देख रहा हूँ, जैसे मैं खुद गुड़गांव में हूँ आपके बिल्कुल साथ में, तो नए नए काफ़ी ट्रेनर आ गए, जो लोग अभी सबको तो नहीं पता होता, वो सब लोग आज तक आ नहीं पाते, उन लोगों को पता नहीं होता ये कहाँ उस तरह के। मैं ये चीज़ जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला हूँ कि कभी किसी कुछ है तो आप बंटी भाई से मिले, ये इंडिया के टॉप ट्रेनर हैं। आप कहीं भी जो अगर ट्रेनिंग के बारे में अगर कोई जानता है या थोड़ा बहुत भी समझता है तो वो इनको ज़रूर जानते हैं। तो आजकल जो नए ट्रेनर आ गए हैं वो पहले डॉग को ख़राब कर देते हैं, कई केसेस मेरे पास भी ऐसे आते हैं, क्योंकि मैं खुद कुछ डॉग रखता हूँ, ब्रीड भी करता हूँ, ब्रीडर भी हूँ, क्योंकि सब लोग जानते ही हैं। अब मैं ये चीज़ छुपाऊँ वीडियो में कि नहीं करता, तो सब लोग मुझे जानते भी हैं। तो इस चीज़ों को आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए, उन ट्रेनरों के लिए, कि भाई उस तरह के डॉग्स के लिए कि क्या करें, और उन पेट होम वालों के लिए भी आप क्या, आपका क्या मैसेज होगा सर, ये थोड़ा सा बता दें। मैं सिंपल सिंपल जानता हूँ, ट्रेनिंग करने का तरीका होता है ना, वो ना स्टेप बाय स्टेप है। जैसे मैंने जब ट्रेनिंग करना शुरू किया, मुझे 22 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए जी, ठीक है, और मैंने कुछ 15 साल तक कभी कोई सेमिनार नहीं दिया जी, मैंने कभी उसको ट्रेनिंग नहीं सिखाया। जब तक मैंने अपना ट्रेनिंग अच्छे से प्रूफ नहीं कर लिया, तब तक मैंने किसी को सेमिनार नहीं दिया। अच्छा, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की थी जब 16 साल का था, 16 साल का, ठीक है, और मैंने पैसले तब शुरू किया, मैं प्रोफेशनल तब शुरू किया जब मेरे खुद के डॉग्स बहुत अच्छे ट्रेन होना शुरू हो गए, ठीक है, और उसके बाद मैं बहुत कम चार्ज करता था कि मुझे लगता था कि मैं और बेटर कर सकता हूँ। देन धीरे धीरे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ट्रेन सीख, आपको ना ट्रेन सीखने के बाद 5 ईयर्स लगते हैं ट्रेनर बनने में, एक अच्छा ट्रेनर बनने में 7-8 ईयर्स, एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव ट्रेनर बनने में अराउंड कोई लाइफ। मुझे 22 साल हो गए, मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, बिल्कुल, और चीज़ें यूज़ करता हूँ, चीज़ें समझता हूँ, मैं खुद सेमिनार्स करता हूँ, फिर मैं समय देता भी हूँ, समय लेता भी हूँ, और मैं खुद सीखने अभी मैं जब मैं लास्ट टाइम जर्मनी गया था सीखने, बाद भी जर्मनी गया था सीखने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों को सुनने में टफ सा लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूछा कि वो डॉग्स इतने ज़्यादा उनके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं कि फिर वो क्लाइंट्स उनको रख नहीं पाते, और वो डॉग्स के लिए बेचारों के बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है, रोड पे जाते हैं। मैं बात करना चाहूँगा एकदम जन बात, बिल्कुल। दो तरह डॉग लवर हैं जी, एक जो सिर्फ फेसबुक पे दिखाने के लिए, इंस्टा पे दिखाने के लिए जी, जी, जो हमेशा डॉग्स को, मैं भी ना डॉग्स को खाने खिलाता हूँ, मेरे पास इंडी डॉग्स है बहुत सारे जी, जी, ठीक है, लेकिन मैं कभी इंस्टाग्राम पे फेसबुक नहीं डालता, जी, 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 ठीक है। तो दो तरह होते, तो दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, एक सच में दिल में दिल से डॉग लवर होते हैं जी, दूसरे डॉग लवर होते हैं ना, मेरे पास वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाय हार्ट डॉग लवर हैं, उनका डॉग अगेसिव हो कुछ भी हो, अपना छोड़ते नहीं कभी, और एट दी एंड तक कोशिश करते हैं कि वो डॉग ठीक हो जाए, वो उसको घर लेके जाए, लेकिन
बेपास जज काफी सारे लोग ऐसे आते हैं जो डॉग छोड़ते हैं और भाग जाते हैं, आते ही नहीं। हम भी ये चीजें फेस करते हैं कई बार, फोन नहीं उठाते रोड पे, हमने देखे हैं काफी डॉग। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पिटबुल आया है, पिटबुल सुपर एग्रेसिव, काफी लोग काटा उसने, और उसके ओनर ने फीस देना बंद कर दिया। तो मैंने बोला सर आप उसको क्या करना है, आप उसको ट्रेन हो गया आप ले इसको, तो मेरे को धमकी देना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ, डॉग लेके मत आई मेरे पास। अच्छा फिर वो डॉग मैंने भी रिटर्न किया और फिर वो डॉग रेस्क्यू किया, फिर मैं एक दोस्त है रेस्क्यू उसको, उसके बोल के मैंने उसको रिहोम करवाया। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं मेरी जॉब का एक पार्ट ये भी है कि मैं डॉग से कुछ करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डॉग सुपर एग्रेसिव होते हैं उनको मैं ट्रेन करता हूँ और उनको फिर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिहोम करता हूँ। तो क्या है, एक आदमी को ट्रेन डॉग मिल जाता है, ठीक है, और उस डॉग को अच्छी लाइफ मिल जाती है। ये प्रॉब्लम ओनर की है या डॉग की प्रॉब्लम है? ओनर की प्रॉब्लम है। 100% अगर किसी का कोई डॉग काट रहा है तो आप ट्रेनर हैं, एज ए ट्रेनर आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये प्रॉब्लम किसकी है? अगर घर में बच्चा बदतमीजी कर रहा है तो क्या है कि सपोज जी एक डॉग लिया, आप डॉग को बिना समझे डॉग को ले आते हैं जी, और उसका बैकग्राउंड समझे बिना उसको बेसू कहते हैं और फिर उसको या बाय कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, जब आपका डॉग आता है तो आप उसको कोई कंसीक्वेंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो डोमिनेंट का शुरू करता है और बाइट शुरू करता है। ये बात जमे शपट है और उसने ऑनर बुरी था, बहुत बुरी था काटा, बहुत बुरी था। तो लेकिन वो मतलब उनको सल्यूट है, वो ऑनर आज भी डॉग से लड़ रहे हैं और वो बोल रहे हैं मैं डॉग को लेके जाऊँगा बंटी, और मैं दिल जान से डॉग को ट्रेन करता हूँ और मैं डॉग को 100% घर वापस भेजूंगा 100%। तो क्या कि ये बहुत अच्छी बात है सर, आपको लड़ना पड़ता है इस तरह से, ऐसा कि डॉग ना डॉग अग्रेसिव हो जाते हैं तो क्या स्टक हो जाते हैं, वो अपनी पोजीशन से अपनी जो 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 सिचुएशन है उससे अपने आप नहीं निकल सकते। तो मेरा नॉलेज उनको उससे बाहर निकालता है। मैं बताता हूँ कि हमला करना गलत बात है और ये तुम्हारे लिए ख़राब है, तो मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ, उनको रिवॉर्ड करता हूँ, देन उनको कंसिक्वेंस देता हूँ, और धीरे ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन डॉग 100% ठीक होते हैं। अच्छा मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो एकदम सुधर जाते हैं, लेकिन हाँ वो ठीक हो जाते हैं कि वो किसी को काटेंगे नहीं, मतलब आप घर में रख सकते हो, वो आप सेफ होते हो। और फिर क्या था उनको, फिर मैं उनको उनकी उनकी ड्राइव जो होती है चैलेंज कहता हूँ, तो क्या वो प्रोटेक्शन भी करते हैं और बाधी बांधते हैं, तो उनको मज़ा भी आता है प्रोटेक्शन करने में, क्योंकि वो डॉग इसलिए एक्चुअली अगर जो डॉग काट रहा है सिंपल सी बात है वो डोमिनेंट डॉग है, तो आपको उसे डोमिनेट करना होगा और आपको उसे कुछ गेम्स खेलनी पड़ेंगी जिससे उसका ब्रेन चैलेंज हो, वो सोचे, जब वो सोचेगा तो इंटेलिजेंट बनेगा। एक बच्चा जो सिर्फ किताब को रट रहा है और एक बच्चा जो किताब को पढ़ रहा है समझ रहा है ऑब्जर्व कर रहा है, तो दोनों में फर्क है। तो मेरा जो वे है वो बहुत अलग है, मैं बेसिकली जो तरीका यूज़ करता हूँ उसे कहता हूँ शेपिंग कहते हैं उसे। अच्छा। आप पढ़ सकते हैं शेपिंग के बारे में, तो शेपिंग अभी ट्रेनिंग की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी भी एनिमल को सोचना सिखाते हैं, तो उसे डॉग बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं। ये ट्रेनिंग आई है, डॉल्फिन ट्रेनिंग कहते हैं, बिल्कुल तो डॉल्फिन ट्रेनिंग कहते हैं इस तरीके से। तो ये ट्रेनिंग आई है डॉल्फिन से, तो ये ट्रेनिंग हम यूज़ करते हैं डॉग्स में यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं शेपिंग जी। तो शेपिंग में हम डॉग को फूड अर्न करना सिखाते हैं, गेम्स खेलते हैं और धीरे धीरे वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उसके बाद उनको पता होता है कि ओ बेस्ट है कि जिंदगी में आप अच्छे से जियो, देन फूड अर्न करो, ये करो, तो उनको एक जीने का तरीका मिल जाता है कि भाई अब वो पूरे बोर नहीं होना, खाना खाना तो ऐसे खाना है, पेस हो जाओ। लास्ट में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके से ट्रेनिंग कराना चाहता है तो आप किस किस तरह की ट्रेनिंग करते हो? सर मैं तो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करता हूँ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अच्छा कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग तो लोग करवाते ही नहीं है, वो एक बहुत लंबा देखिए कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग में लगते हैं अराउंड 24 महीने, ठीक है, मेरे भी ज़्यादा भी लग सकते हैं, और बहुत सारा पेशेंस और बहुत सारा कमिटमेंट। बिल्कुल दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, आप मैं यहाँ पर रोज होता हूँ और मेरी लाइफ में मेरी चीज़ों कुछ भी हो, लेकिन मैं कमिट लूँ अपने काम, इसलिए आपने इसलिए मैं डॉक्टर ट्रेनिंग इस लेवल का है। बिल्कुल तो आपको कमिट होना पड़ता है कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है डॉग के साथ, तो मुझे डॉग को लेके जाना है। डॉग कई चैंपियन बॉर्न नहीं होते, आप उनको चैंपियन बनाते हैं और चैंपियन बनाता है ऑनर का डेडिकेशन। तो मेरे हिसाब से जितने डॉग्स हैं सब सुपर स्टार्स हैं मेरे पास, जो डॉग्स हैं ना इवन मेरे बोर्डिंग डॉग्स, आप एक डॉग नहीं जो सुपर स्टार हो, सारे डॉग सुपर स्टार हैं, क्योंकि हम उस पर काम करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो जो डॉग्स में क्वालिटी होती है ना हम उसको उसमें यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल और फिर हम उसको उसमें बेटर कहते हैं। ट्रेनिंग से रिलेटेड आप अगर किसी भी तरह का अगर आपको कोई इशू है या आपको अपने डॉग्स का कोई बिहेवियर करेक्शन या कुछ भी कराना है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बंटी भाई का नंबर और इनके जो पूरी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।